अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो रैंडम वेक्टर है ना, ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलोज करते हैं विथ पैरामीटर्स एन कॉमा पी वन कॉमा पी टू एंड पी थ्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपको फोर स्टेटमेंट दी हुए है इसमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम क्वेश्चन में मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कस कर रहे हैं, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये जनरलाइजेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसे लिखा किस तरह से जाता है? एक्स आई फॉलोज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी आई। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखते हैं कि एक्स फॉलोज बाइनोमियल एन कॉमा पी, लेकिन मल्टीनोमियल में क्या क्या हमने एक्स आई फॉलोज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी आई। अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या रहता? एन पी। लेकिन ये क्या है? मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या रहेगा? एन इंटू पी आई। अब हमने मीन इज इक्वल टू एन पी आई लिखा है, तो इसी को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई लिखते हैं कि एक्स फॉलोज करता बाइनोमियल एन कॉमा पी को, तो वेरिएंस क्या रहता हमारा? एन पी क्यू। लेकिन ये एक्स आई फॉलोज कर रहा है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एन कॉमा पी आई में, तो वेरिएंस क्या रहेगा? एन पी आई ब्रैकेट में 1 माइनस पी आई। इसी तरह से हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्जे को फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू मिलेगा एन ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट पी आई पी जे। अब यहां पे हमने वेरिएंस ऑफ एक्स आई निकालना, तो एक्स आई के लिए निकाल रहे, तो एन पी आई 1 माइनस पी आई, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक्स आई एक्जे है, आई एन जे है, तो इंटू एन एन माइनस वन को इंटू में क्या करें हमने? पी आई पीजी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल सकते हो, जैसे कि मीन आप निकालेंगे, वेरिएंस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्जे है। अब ये आपने निकाला, अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप कोवेरियंस ऑफ एक्स आई एक्जे भी निकाल सकते हैं। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स आई एक्जे इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्जे। यहाँ पे जो आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एक्जे लिखा है ना, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू, उसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्जे की वैल्यू। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू एन पी आई है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्जे की वैल्यू क्या बनेगी? एन पी जे। ये वैल्यू आपने पुट कर दी, यहां से पी आई पी जे को कॉमन निकालो, इज इक्वल टू पी आई पी जे ब्रैकेट में एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, तो ये एन स्क्वेयर गेट कैंसल, इज इक्वल टू ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एन पी आई पी जे। तो आपको कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एक्जे क्या मिला? माइनस एन पी आई पी जे। इसे कैसे रीड करेंगे आप? कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एक्जे। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये रैंडम वेक्टर है, हैज अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स एन कॉमा पी वन कॉमा पी टू एंड पी थ्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये रैंडम वेक्टर दिए हुए, तो इसमें हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स के तक रैंडम वेक्टर लिख सकते हैं, तो हम कंसिडर करेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रैंडम वेक्टर तक। ऑप्शन नंबर सी देखो, वेरियंस ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू एन पी थ्री ब्रैकेट में 1 माइनस पी थ्री, और यहाँ पे क्या लिखा हमने? वेरियंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एन पी आई 1 माइनस पी आई। ये वेरियंस एंड ऑप्शन नंबर सी का वेरियंस सेम है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। सेम वे में ऑप्शन नंबर बी देखो, कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एक्जे क्या लिख सकते हैं हम? माइनस एन पी आई पी जे। यहाँ पे कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एक्स थ्री क्या लिखा हमने? माइनस एन पी वन पी थ्री। ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी भी ट्रू है। अब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी के लिए
कंडीशन है कि x1 प्लस x2 ये फॉलोज होगा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉमा pi में, लेकिन कब? जब कंडीशन आपकी p1 इज इक्वल टू p2 रहेंगी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए अगर कभी आप देखते हो ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और ऑप्शन नंबर डी जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर डी इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो डी तो ट्रू है, मीनिंग दैट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? ट्रू है। तो फॉल्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।